तांत्रिक के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए दो व्यक्तियों द्वारा 4 वर्षीय बालक का नर बलि के लिए अपहरण करने का मामला सामने आया है। हालांकि जीआरबी पुलिस की सक्रियता से चेन्नई से आए इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीषा काशिद ने अधिक जानकारी साझा की। रेलवे सुरक्षा बल और लोहमार्ग पुलिस ने मिलकर ट्रेन 02621 तमिलनाडु एक्सप्रेस में सर्च ऑपरेशन किया और चेन्नई से अपहरण किए गए 4 वर्षीय बालक को सकुशल बचा लिया। वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों के नाम कोला महंत, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश निवासी मोनू गरीबदास केवट और बोराजधाट, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश निवासी शिब्बू गुड्डू केवट बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पेशे से मजदूर हैं और शराब पीने के आदी हैं। मोनू का विवाह 2 साल पहले शिब्बू की बहन से हुआ था। संतान न होने पर उन्होंने इलाके के एक तांत्रिक से संपर्क किया। कथित तांत्रिक ने उन्हें नरबलि की सलाह दी और बताया कि जन्म के बाद जिस बालक का मुंडन संस्कार नहीं हुआ हो, ऐसे बालक का इंतजाम करना होगा। नरबलि के लिए ऐसे बालक की तलाश में मोनू अपने साले शिब्बू को साथ ले चेन्नई तक गया। यहाँ उसकी मुलाकात मजदूर मिथिलेश पासवान और उसकी पत्नी से हुई। मोनू ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मिथिलेश के मकान में ही ऊपर का एक कमरा किराए पर ले लिया और मजदूरी करने लगे। तकरीबन 1 माह तक मिथिलेश का विश्वास हासिल करने के बाद उन्होंने मिथिलेश के पुत्र के अपहरण की योजना बनाई। रविवार की सुबह मिथिलेश के पुत्र को अम्बतूर घुमा लाने का झांसा देकर आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और तमिलनाडु एक्सप्रेस में सवार हो गए। देर शाम तक मोनू और शिब्बू के घर वापस न आने पर मिथिलेश को शंका हुई और उसने तत्काल अम्बतूर पुलिस को सूचित किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीषा काशिद ने अधिक जानकारी साझा की। बाइट तमिलनाडु एक्सप्रेस ने 2 इसम एका 3.5 वर्षाच्या मुलाला पळवून नेत आहेत अशी खबर नागपूर रेल्वे पोलीस स्टेशन आणि RPFला मिळालेली होती। आमच्या नियंत्रण कक्षाकडून आम्हाला मिळालेली होती। तर 13:50 ट्रेन नागपूर रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वर येणार असल्याची माहिती आम्हाला 10 मिनिटांपूर्वीच कळालेली होती। त्यानुसार आम्ही सिव्हिल ड्रेसमधील सर्व स्टाफ रेल्वेच्या त्या बोगीभोवती DL1 देत असल्यामुळे त्या बोगीभोवती आम्ही सगळा कव्हर करून घेतला होता। कारण जर युनिफॉर्ममधील पोलीस जर तिथे गेले तर ते कदाचित बाळाला हार्म करू शकतात अशी शक्यता होती। म्हणून सिव्हिल ड्रेसच्या सर्व पोलिसांनी गाडी आल्यानंतर ताबडतोब एंट्री करून त्या 2 इसमांना ओळखून त्या बाळाला देखील ताब्यात घेतलं, बाळाची सुटका केली त्यांच्या ताब्यातून आणि परत पोलीस स्टेशनमध्ये आणल्यानंतर जेव्हा त्यांच्याकडे सखोल चौकशी केली त्यावेळेला त्यांनी असं सांगितलं की 2 वर्षापूर्वी जो मेन आरोपी आहे मोनू त्याच्या लग्न झालेलं आहे, त्याच्या बायकोच्या पोटामध्ये छाले आहेत म्हणून तिला बाळ होऊ शकत नाही असं त्याला डॉक्टरांनी सांगितलेलं होतं। म्हणून मग त्याच्यावरती उपाय म्हणून त्यांनी एका तांत्रिकाचा सल्ला घेतला होता। तर तांत्रिकने त्याला सांगितलं होतं की ज्या बाळाचे केस जन्मापासून काढलेले नाही आहेत तर अशा बाळाला जर तुम्ही माझ्याकडे घेऊन आला तर काहीतरी पूजा विधी करून त्याच्या बायकोला बाळ होऊ शकतं। बालक के अपहरण को गंभीरता से लेते हुए चेन्नई पुलिस ने तुरंत CCTV रिकॉर्डिंग की जांच शुरू की। दोनों आरोपी और बालक स्टेशन के CCTV कैमरों में नजर आए और तमिलनाडु एक्सप्रेस में सवार होते दिखे। ट्रेन की लाइव पोजीशन देखने पर पता चला कि नागपुर स्टेशन आने वाला है। चेन्नई GRP से RPF नागपुर के PI RL मीना को सूचित किया गया। मीना ने GRP PI मनीष काशिद को जानकारी दी। ट्रेन आते ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आखिर अपहरण करने वाले दोनों आरोपियों बालक DL1 कोच की सीट 9 और 10 पर मिले। चेन्नई से आरोपियों की पहचान पुख्ता होते ही गिरफ्तार कर बालक को छुड़ा लिया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवा BCN न्यूज नागपुर।